जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड प्रदेश में होने वाले डुमरी उपचुनाव के लिए एनडीए की ओर से प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ आजसू के विधायक लंबोदर महतो जी हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। कौन सा प्रत्याशी दोनों एनडीए की ओर से घोषणा की गई है? आज एनडीए के सीनियर लीडर्स की एक बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आजसू पार्टी लड़ेगी। फिर उसके बाद आजसू पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और संसदीय बोर्ड में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि झारखंड आंदोलन के एक सच्चे सिपाही स्वर्गीय दामोदर महतो जी, जिनका झारखंड आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा, डुमरी विधानसभा के सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, स्वर्गीय दामोदर महतो की धर्मपत्नी श्रीमती यशोदा देवी को वहाँ से प्रत्याशी जी बनाया जाए, जिनका प्रशासनिक अनुभव भी जो वहाँ पर पूर्व प्रमुख भी रही है और हमेशा सामाजिक कार्यों में हमेशा लोगों के सुख दुख में लगी रहती है। तो आजसू पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सर्वसम्मति से श्रीमती यशोदा देवी जी को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया। ये निर्णय एनडीए की ओर से है, बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर सिंपैथी का जो वोट होगा, जो मतदान किया जाएगा, जिस तरह से जगन्नाथ महतो के दिवंगत होने के बाद में जो सिंपैथी जो लहर है, तो उसको कैसे पाटिएगा? और 2024 के लिए आप लोग एनडीए के लिए भी एक तरह से ये लिटमस टेस्ट होगा। देखिए, लिटमस टेस्ट तो ऑलरेडी रामगढ़ में हो चुका था और हम लोग उस लिटमस टेस्ट में पास कर चुके हैं। और दो बातें, डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत ही समझदार है और सभी बुद्धिमान है, तो ये निश्चित रूप से अब राजनीति में सहानुभूति कोई विषय नहीं रह गया है। अब लोग विकास चाहते हैं, लोग अमन चैन चाहते हैं, लोग निश्चित रूप से विकास के लिए वोट करते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोगों को विकास के नाम पर वोट मिलेगी। और जहाँ तक इस सरकार की बात है, तो अब देखिए, सरकार हर मामले में फेल है, लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल है, प्रशासनिक नियंत्रण बिल्कुल ही सरकार का नहीं है, भ्रष्टाचार में ये सरकार पूरी तरह से आकन डूबी हुई है, जल जंगल जमीन की संरक्षण की बात करने वाले सरकार जल जंगल और जमीन की लूट में पूरी तरह से लगी हुई है। और विकास के नाम पर आप देख लीजिए कि दो से ढाई साल इसको, इस सरकार को SOR बनाने में लग गया और SOR में बना तो त्रुटिपूर्ण बना, तो SOR के नाम पर दो ढाई साल तक विकास के काम को रोकने वाली सरकार। और दूसरा कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा है राज्य का, चाहे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, OBC आरक्षण हो, हर विषय को, अब जितने भी जो नियोजन है, रोजगार हो, हर मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता, नियोजन विशेष करके, जो सरकार हर साल 5-5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करने वाली सरकार 457 का डाटा देती है, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य 1932 करते करते ये सरकार 2023 में पहुंच गई है, 740 का नीति लेके आ गई। तो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को लेके पूरे राज्य की जनता के साथ साथ डुमरी विधानसभा के जनता में भी पूरी तरह से सरकार के प्रति आक्रोश है और पूरा उबाल है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। दूसरी है कि एनडीए का अपना जनाधार है, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी का अपना जनाधार डुमरी विधानसभा क्षेत्र में है और हमारी प्रत्याशी और हमारे नेता और कार्यकर्ता हमेशा डुमरी विधानसभा के लोगों के साथ और डुमरी विधानसभा के विकास में लगे रहते, तो इसका फल डुमरी विधानसभा में निश्चित रूप से हम लोगों को मिलेगा और हम लोग डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हर हालत में जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।